What's up, everyone? Heather, Dania, welcome to an amazing video of They See It in DDS. Dania, दोबारा देखिए हम क्या बोलते हैं welcome to amazing video. Welcome to an amazing. क्यों नहीं बोलती an amazing? Welcome to an amazing video of They See It in DDS. जो मैं बोलते सही बोल जाता. तो गलत अच्छा तभी तेरा गलत होता है. Match नहीं होता तेरा. Welcome to an amazing. अच्छा सही है. तू क्या बोलती है? अपरिचित के आज हम उस सीन के ऊपर रिएक्ट करेंगे वेर नंदिनी जाती है रूम से भाग, लेकिन वो कंफ्यूज बहुत होती है कि हो क्या रहा है, पल में रहमो पल में अपरिचित और हिट भी कर रहे हैं और वो पर्सनैलिटी चेंज हो रही है उसकी लगातार, और वो कभी अपरिचित बनता तो मारने आ जाता है, रैमो बनता उसकी चेंज हो रही थी। हाँ, एक ही पर्सनैलिटी में नहीं, उसकी एक रीजन है क्या? वो भी इन्होंने बहुत अच्छा से रचना लिखा है, क्योंकि वो लड़की कभी रैमो बोल देती है तो अपरिचित कुछ होने लग जाता है, फिर वो उसकी न्यूरो ट्रांसमीटर रैमो में आते हैं, तभी वो कहती है रैमो क्या हो गया, ये तुम अभी क्या कर रहे थे, जो वो कहती है क्या कर रहे थे, कोई गलत लफ्ज बोलती है वो अपरिचित में चला जाता है। तो ये कुछ ये खेल भी इन्होंने अच्छा एक हाईलाइट किया है, बहुत जबरदस्त किसी ने मूवी लिखी है इसकी जो होल। अच्छा वो न्यूज भी ठीक थी, लोग सही कह रहे हैं कि रणवीर सिंह अब आ रहा है इस मूवी में और वही डायरेक्टर कास्ट कर रहे हैं उसको, और न्यू जमाने की बीमारियां, न्यू टेक्नोलॉजीज और न्यू जबरदस्त होने वाला है, एक मास्टर पीस का रीमेक वर्जन आ रहा है। आई होप कि वो रीमेक वर्जन इसी क्वालिटी का हो जितना एक मास्टरपीस, वेल ओल्ड इज गोल्ड, लेकिन जो ये एक मास्टरपीस है, क्योंकि मोस्टली ना रीमेक खराब कर देते हैं मूवी की जो ओरिजिनल एक ऑथेंटिसिटी होती है, जो क्रेडिबिलिटी होती है, वो रीमेक वर्जन खराब कर देते हैं, बट डायरेक्टर वही है, इस वजह से थोड़ा रिलैक्स है हम लोग, बट बड़ा मजा आएगा, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि नंदिनी गई है भाग कमरे से, आगे क्या होने वाला है, सीन को हम करते हैं स्टार्ट। लेकिन सीन स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर न्यू व्यूअर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन ऑल पर क्लिक करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्ले। होटल की बिल्डिंग को ये देखिए ना, सब कुछ उसको समझ नहीं आ रही है। नंदिनी को समझ आ रहा है रैम्बो है, तो उसको अभी का भी पता चल रही है। यार लड़की को परेशान करता है, तेरे से पूछ रहा हूँ जवाब क्यों नहीं देता, बोल। अरे लड़की के पीछे पड़ गया ना वो तो लोगों को मारता है जब तक इसको सांस ना ले मार के। सुन लो भाई, मुझे बचा लीजिए, एक आदमी मुझे मारने आ रहा है, मुझे बचाइए प्लीज। छड़ी अभी तो चलिए भाग जाए।
हाय तो 100 पे 100 बंदे तो सजा के लिए मैसे ले आता है बेचारी लिफ्ट का सारा लिया बस का सारा लिया का सारा लिया आप कितनी चाय पड़े बेचारी रैमो बोल रहे हैं दरअसल वो लड़कों के दरमियान में रहती है ना आपको सेफ रहती है इधर ही लड़ते रहते हैं वो भागी वो उसके पीछे भाग उसकी भागी की तो उसके पीछे भागने लगते ये बंदे बंदे बैठे
सरकार को पहुंचने वाले पैसे तुमने ठीक से ना देकर धोखाधड़ी की है। 12 लाख की जमीन को 8 लाख बता के झूठ बोलने का पाप किया। अगले 4 लाख ब्लैक मनी रखने का पाप करने के लिए उसके कागजात भी फंस। ये सब तुमको कैसे पता? कौन हो तुम? अम्बी हो ना? अम्बी हो ना? कौन अम्बी? मैं अपरिचित हूँ। नहीं झूठ है, झूठ बोल रहे हो। यही चोट मैंने अम्बी के फेस पर देखी थी। तुम अम्बी बन के नाटक कर रहे हो या अम्बी तुम्हारी तरह नाटक कर रहा है? इसमें रेमो कौन है? अम्बी, रेमो, अपरिचित, बताओ सच क्या है? तुम मरने वाली है, यही सच है। सबको जान गई हूँ मैं, तुम अम्बी ही हो। मैंने तुम्हारे प्यार को धिक्कार दिया था, इसीलिए अपना हुलिया बदल के मुझसे बदला ले रहे हो। टैक्स चोरी करके सरकार को धोखा देने की सजा, देखो सगनी को उसमें भस्म हो जाओ। तुमने मुझसे अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है। सर्वधर्म और चच्ची मामे का सर्वम प्रच्छ अहम त्वा सर्व पापे भ्यो मोक्ष स्यामि माश्य सम। सर्वधर्म और चच्ची मामे का सर्वम प्रच्छ अहम त्वा सर्व पापे भ्यो मोक्ष स्यामि माश्य सम। अम्बी भी आ गया। कैसे? सॉरी नंदिनी, यहाँ के कपड़े, ये कैसे? किसने इसको लाया था? तो दोष हो गया, आग और ये सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन मासूम होता नहीं बता नहीं सकते। ओह जबरदस्त, अल्लाह इतने मजे की मूवी होती जा रही है। वेल मेरे ख्याल में वो डॉक्टर अब आगे शायद कोई ट्रीटमेंट या डॉक्टर का सीन हो, लेकिन वो समझ आती जब वो कह रहा होता ना कि तुम्हें 4 लाख की जमीन की 4 लाख बचाने के लिए सरकार का, वो कहती तुम ये कैसे जानती हो, तुम अम्बी हो ना? तो कहती है रेमो नहीं अपरिचित, ये क्या है? फिर वो उस वक्त भी उसका बीमारी का इधर ध्यान नहीं जाता, कहती है दरअसल मैं तुम्हारा पैर ठुकरा था, तुम मुझे पता है कि ये कर रहे हो। नॉर्मल इंसान यही रिएक्ट करता ना, किसी को क्या पता आज के दौर में बीमारी भी होती है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर 2005 में। हाँ उस वक्त तो ये इंसान कहते थे नाटक कर रहा है और ये उस वक्त, लेकिन नहीं पता कि ब्रेन और बॉडी के कनेक्शन जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं सारा खेल उसका है। और मुझे बस ये लगती है सही फेंकते फेंकते ना वो रेमो में नहीं है, वो डायरेक्ट अम्बी में है। रेमो में आता तो रोमांस कह रही थी ना, उसको समझ लगी एंड पर अम्बी वो, लेकिन जो विक्रम सर ने अम्बी की एक्टिंग भी बोला ना, वो अमाउंट हिला लगे वो कहते हैं नंदिनी ये कैसे हो गया, पूरी चीजें देख के ना बेहोश हो जाता है कि मैंने क्या कर दिया, ये ना वो कह रही है मेरे से ही हुआ है। तो वेल बड़ा मजा आ रहा है, बहुत मजे की स्टोरी है ओवरऑल। ये वाला सीन मुझे वो चाइनीज की फाइट भी बड़ी अच्छी लग रही, वो भी बड़े साफ जान इतने की वजह से काफी हद तक कंट्रोल हुआ वरना नंदिनी ने उड़ जाना था चाहिए। वो भी बड़े मतलब इस बंदे के साथ कोई अपरिचित को हरा ही नहीं सकता। हाँ। उन्होंने फिर भी मुकाबला किया, वो अपने कराटे चराटो से कंट्रोल किया, फिर भी नहीं हुआ, वो सो थे एक्सपर्ट। यार मजे की बात ये ना काफी शूटिंग में मजा कितना आया होगा इनको, बड़ा मजा आया होगा। और ये विक्रम सर ने किस तरह से इतने ज्यादा कैरेक्टर्स प्ले किए हैं कि यार लिटरली एक्टिंग एक कसम से, जब ये एक अपने उस रूप में होते हैं लगता नहीं है कि वो ही हैं। हां और अभी तो एक कॉस्ट्यूम और मेकअप तो अपरिचित वाला का था, लेकिन इनको ये बताया गया था कि बेशक ये अपरिचित का कैरेक्टर है लेकिन आपके फेस के ऊपर अम्बी नजर आना चाहिए। और वो नगर वो यार लिटरली अ ग्रेट आर्टिस्ट, अ ग्रेट एक्टर। ये एक ऑस्कर लेवल फिल्म है, एक नेशनल लेवल की फिल्म है। ये एंटरटेनमेंट और कॉमेडी वर्जन में एक बहुत बड़ी चीज़ बताई गई है कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को एंटरटेनमेंट में बताकर लोगों को अवेयर किया गया, एजुकेट किया गया। और ऊपर से जब साउथ इंडियन मूवीज़ हम फिर तो होता ही है कुछ है कि वो बहुत ज़बरदस्त मूवीज़ बनाते हैं। आपका जो ओपिनियन है वो आप हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, व्हाट्सएप करें, मैसेंजर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। रखना आपका अपना ढेर सारा ख्याल, होती है अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात, लेकिन चैनल को करना लाजमी सब्सक्राइब। गुड लक।